हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 1.1। ठीक है, अभी राजस्थान बोर्ड का कोर्स बदला है नया, तो अभी बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, है ना। ये चीज आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे पिछले कोर्स में, लेकिन अब ये 9वीं क्लास में आ गई है। तो देखें क्या कहती है प्रश्नावली। देखो, प्रश्नावली का पहला ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जरूर पढ़ें, अच्छी तरह से देखें। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है? ठीक है, सवाल है, इन चीजों को इस तरह समझें। देखो, पहले तो ये समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। सवाल बहुत सीधा सा है, आप अपने आप ही इसका आंसर बता दोगे। पहले समझेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान दें अच्छी तरह से। देखो, कोई भी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 2/3, 5/7, 9/3, 11/5, कोई सी भी संख्या, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये सारी परिमेय संख्या हैं। लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिनको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 ये मान तो क्या है इसका, परिमेय है। लेकिन अगर इसका मान हम पूरा पूरा निकालें, 3.1423 कुछ इस तरह से बहुत बड़ी संख्या आती है, जहां तक अगर ये मान निकलता ही जाता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय इनमें भी परिमेय संख्या वो होती है जिनका मान पॉइंट के बाद में एक दो संख्या बाद में रुक जाता है, लेकिन जब रुकता ही नहीं, आता ही जाता है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो देखें अब इनको हम परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बटे में हम किसका भाग दे सकते हैं? एक का दे दो, एक का देने पर भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो में अगर हम दो का भाग दे देंगे तो भी जीरो आएगा। जीरो में अगर हम तीन का भाग दे देंगे तो जीरो आएगा। जीरो में अगर हम 50 का भाग दे देंगे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं? तो आराम से लिख सकते हैं। देखो, यहां पर देखा जाए तो P बराबर क्या होगा? 0 और Q बराबर 1 होगा। यहां पर P बराबर क्या होगा? 0 और Q बराबर 2। यहां पर P बराबर 0 और Q बराबर 3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि P का मान तो सभी कंडीशन के लिए क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। P का मान तो हमेशा 0 ही होगा, लेकिन Q का मान क्या होगा? कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। 0 को छोड़कर Q का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है Q का मान 0 नहीं है। तो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और माइनस में हो सकता है -1, -2, -3, -4, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंटों में नहीं होगा, ध्यान रखना पॉइंटों में नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, अब तो हम इसका हल क्या लिखेंगे, इसका सीधा सा लिखेंगे। देखो, यहां पर सबसे पहले पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखें हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले उत्तर का तो, पहले आंसर का तो वो क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हां, शून्य एक परिमेय संख्या। क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो अभी हमने आपको लिख के बताया था कि क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हां, जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, या Q का मान क्या हो सकता है? -1, -2, -3, इस तरह से माइनस अनंत तक। इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और Q does not equal to 0, Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या समझे आप कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसमें किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं जीरो छोड़कर। क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। तो इसका आंसर तो इतना ही है। ठीक है, पूछ रहा है हाँ या नहीं में। ठीक है, और हमने लिख कर भी आपको ये बता दिया, तो यहां पर मैं आपको उदाहरण लिख के बता रहा हूं इसके। ठीक है, उदाहरण देखें,
जीरो बटे एक, जीरो बटे दो, जीरो बटे पाँच, जीरो बटे नौ, और अगर माइनस में लेते हैं माइनस जीरो बटे एक, माइनस जीरो बटे पाँच, माइनस जीरो बटे सात, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सभी का मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, आप चेक कर लें किसी भी संख्या में जीरो का, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देके देख ले उसका मान जीरो ही आता है। ठीक है, तो जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो वीडियो पहली बार बना रहा हूं मैं नवी क्लास के लिए, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब मुझे लगेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड है इसको देखने के लिए तो ही मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, नहीं तो बस एक सुनावली का वीडियो बना के इसको रोक दूंगा। ठीक है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मतलब आगे बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये था अपने सुनावली 1.1 का पहला सवाल। अब अगला सवाल करते हैं, दूसरा सवाल, तीन व चार के बीच छह परिमेय संख्या याद कीजिए। देखो सवाल काफी बड़ा है ना, और परिमेय संख्या याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने कक्षा 8 और 9 में जो तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल सिंपल से तरीके पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखो सबसे पहले तो माध्य विधि लेते हैं। ठीक है, माध्य विधि, और ये सबसे सरल भी है, बड़ी जरूर है एक सरल भी है, आप कभी उसको भूलोगे नहीं। कैसे, देखो इसका फॉर्मूला है निकालने का देखो a प्लस बी बटे दो, जहां a और b क्या है, पहली संख्या a दूसरी संख्या b, दोनों जोड़ के दो का भाग दे देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखें हम पहली संख्या निकालेंगे। ठीक है, पहली संख्या निकालेंगे कैसे, तीन प्लस चार बटे दो, चार और तीन सात, सात बटे दो, ये आ गई पहली संख्या, बिल्कुल सीधा है, दोनों संख्याओं को जोड़ा और दो का भाग दे दिया। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे, अब ध्यान दें दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए करेंगे हम पहली संख्या तीन प्लस बी, बी यहां पर अब इसको नहीं लेंगे, अब लेंगे हम ये वाली संख्या सात बटे दो को, इनमें हम दो का भाग देंगे। ठीक है, हल करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे कितने हो जाएंगे, देखो लघुत्तम लेंगे दो आ जाएगा, इस दो को नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तीन तीन दूनी छः प्लस दो एकम दो सात, कितने हो गए, छः दून बारह तेरह, दो दूनी चार, तेरह बटे चार। तीसरा देखें, तीसरे के लिए क्या करेंगे हम, देखो पहली संख्या आप कोई सी भी ले सकते हैं, अब इनमें से अपने पास में कितनी संख्या आ गई, एक दो और दो आ गई, तीन और चार पहले से हैं, चार संख्या हो गए ना, इनमें से आप कोई सी भी ले लो, चलो पहले ये ले लेते हैं तीन प्लस अगली संख्या ले लेंगे हम ये ले लेंगे तेरह बटे चार। ठीक है, नीचे एक मानेंगे भाग देंगे दो का, ये तरीका है, दोनों जोड़ के दो का भाग दे दो, तो चार तीन बारह प्लस तेरह कम तेरह नीचे चार, और ये तो दो है इसको यहां गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने हो गए, बारह दून चौबीस एक पच्चीस बटे चार दूने आठ, एक दो तीन, तीन हो गई। अब इसी तरीके से यहां पर देखें, अब इधर से ले लेते हैं, वैसे ले जाए इधर से लेते चले जाए बहुत सारी संख्या आती चली जाएंगी, इसके लाखों उत्तर हो सकते हैं, आप ये मत समझेंगे आपकी जो बुक है उसके पीछे जो उत्तर मिल रहे हैं वही उत्तर इसके सही होंगे, इसके बहुत सारे उत्तर सही होते हैं, गलत नहीं होता एक प्रश्न कभी भी, है ना। तो ये दिमाग से निकाल दें कि मेरा प्रश्न गलत हो जाए, गलत कभी नहीं होगा। अगला देखें, इसके लिए हम लेंगे चौथे नंबर का, पहले ले लेते हैं चार प्लस अभी ले लेते हैं सात बटे दो बटे दो, नीचे एक मान लेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो चार दो ने आठ प्लस सात एकम सात, नीचे दो लगो तो मैं जाएगा दो एकम दो, और ये दो गुणा नीचे कर देंगे, कितने हो जाएंगे, आठ सात पंद्रह बटे दो दूनी चार। ठीक है, एक ये हो गई, अब पांचवा देखो, अब क्या करेंगे, ये संख्या ले लेंगे
प्लस ये संख्या दे देंगे 15/4, नीचे एक मानेंगे और दो का भाग देंगे, ठीक है। देखो 416 प्लस 15 × 15, नीचे 4 आ जाएगा और ये गुणा 2, तो कितना होगा, कितना होगा इन दोनों जोड़े 15 और 16 31, 4 × 2 = 8, 5 हो गए। देखो 8वीं क्लास में तो हमने 5 तक किए थे, लेकिन यहाँ पर 9वीं क्लास होते एक स्टेप और बढ़ा दिया, छठवा भी निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, हम चाहे तो हजारों निकाल लें, टाइम ज्यादा लग जाएगा थोड़ा सा बस। अगली संख्या ले लेते हैं 4 प्लस अगली संख्या 31/8, नीचे एक मान लेंगे दो का भाग दे देंगे, 832 प्लस 3 × 3 और 31 × 31 तो 31 और नीचे 8 और नीचे गुणा 2 कितने हुए, 31 × 62 = 63, 63/8 × 16। इस तरह से हमने ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ लेकिन आसानी से हो गया, ठीक है। आप इसके उत्तर अपने पासबुक में या जो भी आप जहाँ पे उत्तर देखते हैं वहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है। तो सारे उत्तर पता नहीं मिले नहीं मिले, लेकिन कुछ उत्तर जरूर मिलेंगे क्योंकि इसके हजारों उत्तर होते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं कि आपको उत्तर कभी गलत नहीं होगा इस तरह के प्रश्नों में। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर संख्या बदल देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा अंतर आएगा। इसी के जैसा प्रश्न है तीसरा, संख्या है 3/5 व 4/5 के बीच, यहाँ पर 5 संख्या पूछ रहा है, ये है ना, तो सवाल मैंने बदल दिया है, तो उसी के अनुसार देखो तरीका हम यही रखेंगे, सेम तरीका माध्यम दीजिए। चलो ज्ञात करते हैं पहला, कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 3/5 प्लस 4/5 और 2 का भाग दे देंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, लघुत्तम आ जाएगा दोनों में 5, तो 3 + 4 ये तो आप जानते ही होंगे, भिन्नों वाली संख्याओं का योग कैसे करते हैं, इसको इससे देखो लघुत्तम ले लेते हैं, दोनों लघुत्तम 5 आ गया, अगर 5 का भाग इस 5 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो उस 1 को गुणा करेंगे ऊपरी संख्या से, तो 3 × 3 ये 3 लिख दिया, बीच का चिन्ह प्लस कहीं हो कहीं हो, फिर इस 5 का भाग देंगे इस 5 में, कितनी बार जाएगा, एक बार 1 को ऊपरी संख्या से गुणा करेंगे, 4 × 4 4 को यहाँ पर लिख दिया, और नीचे जो 2 था इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, कितना हुआ है 4 × 3 = 7, 7/10 पहली संख्या आ गई। दूसरा देखो क्वेश्चन संख्या ले लो अपनी मर्जी है, पहली संख्या ले लेते हैं 3/5 प्लस 7/10/2, इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को जोड़ के हमने 2 का भाग दे दिया, ऊपर लघुत्तम कितना आएगा 10, ठीक है। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को इससे गुणा करेंगे 3 से, 3 × 6 प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 × 7 और ये जो 2 नीचे है वो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 6 × 12 = 13, 13/10 × 20 ये दूसरा हो गया ना। तीसरा देखें बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है, 3/5 प्लस 13/20 वही लघुत्तम लेंगे कितने आएगा 20 आएगा, कैसे 20 में दोनों भाग जा रहा है, 20 का जा रहा है 5 का भी जा रहा है, 5 का भाग 20 में कितनी बार गया 4 बार, तो 4 × 12 प्लस 20 का भाग 20 में 1 बार, तो 20 × 20 20 को 13 से गुणा करें और 1 को 13 से गुणा करें तो 13 × 13 और नीचे अगर 2 का भाग देंगे तो ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, कितने हुए 12 × 13 = 25/40, ठीक है। इस तरह से आप और आगे संख्या निकालते जा सकते हैं, देखो चौथा सवाल, अब तक 3 तो हमने इसको लेके कर लिया, आगे इसको लेके कर लेते हैं, इसको लेके करते जाएंगे तब भी अपने उत्तर सही आते रह जाएंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो हम 4/5 इसको ले लिया प्लस 7/10 इसको ले लिया, 2 का भाग दे देंगे, जो भी आएगा अपना उत्तर हो जाएगा, तो लघुत्तम कितना होगा 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और ये 2 नीचे गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा 8 × 7 = 15, 15/20, ठीक है।
तो ये हो गया चौथा, और अब देखते हैं पांचवा। पांचवा कैसे करेंगे, 4/5 प्लस 15/20 बटे 2, हल करेंगे बस इसको। तो 5 / 20 में 4 बार जा रहा है ना, तो 20 तो 4 × 16 प्लस 5, 5 / 20 में 4 बार, नहीं 20 / 20 में 1 बार, 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15, और नीचे 2 गुणा, 15 और 16 कितने हो गए 31 बटे 20 × 40। ठीक है, तो यहां पर ये आ गई इनके बीच की परिमेय संख्याएं। पांच ही याद करने के लिए पूछे थे, हमने 5 याद कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा सवाल। इस पूरी प्रश्नावली में कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं, तो अभी एक सवाल और करना है, तो चलिए अब इसके बाद में वो एक सवाल और करते हैं। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, और 3 प्रश्न हैं, इनके हम कारण से उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दें, ये कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, तो ये कथन मुझे सत्य लगता है। क्यों लगता है, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत का आगे चलते जाओ, ये संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, जो संख्या शुरू में बनाई गई थी मनुष्य के द्वारा, वो संख्या प्राकृत संख्या होती है। और ये पूर्ण संख्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें कहीं कहीं पॉइंट नहीं आ रहे, तो ये क्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये सत्य है। दूसरा देखें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन देखने में तो सत्य लगता है, लेकिन ये असत्य है। कारण बताऊंगा इसका क्यों असत्य है। देखो, अब प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस से लेकर बीच में 0 प्लस तक। जैसे इधर को -1, -2, -3, ये संख्या क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 1, 2, 3, इस तरह से आगे चलते जाओ, ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या हम क्या मानते हैं, जो पूर्ण संख्या का जो ग्रुप होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, मतलब इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती पूर्ण संख्याओं में, लेकिन पूर्णांकों में सभी संख्या आती है। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और 0, तीनों को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, सारी धनात्मक संख्या सारी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए क्या है, असत्य है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है, असत्य। सीधी सी बात है, असत्य है। क्यों असत्य है, देखें, परिमेय संख्या कैसे होती है, बटे के रूप में होती है। जैसे 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर हम इसका क्या करेंगे, भाग दे के पॉइंट में संख्या निकालेंगे तो 0.5 आया, तो ये पूर्णांक कैसे हो गया, पॉइंट में संख्या है तो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्योंकि जैसे मान लो अगर हम 4/2 निकालें तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा, ये तो पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन अगर हम 1/2 का निकालेंगे तो पॉइंट में आ गई, ये क्या हो गई, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा क्या है, असत्य। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली के 4 सवाल थे, ये चारों खत्म होते हैं। वीडियो जरूर पसंद आया हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवी क्लास वाले हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब डेली डेली एक प्रश्नावली आपको मैं पढ़ाऊंगा डेली डेली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसे कमेंट में जरूर लिख के जाए। ठीक है, हाँ, और एक परिमेय संख्या का कोई भी एक उदाहरण जरूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ में।